अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लैमरस ब्यूटी सैलून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे मेरे पास ग्लो एज क्लीन की ब्यूटी क्रीम है, जिसको मैंने कॉस्मेटिक शॉप से बाय किया था, और इसका रिव्यू आज आप लोगों के साथ ऑनेस्ट शेयर करूँगी। इसके यूजेस बताऊँगी, इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊँगी, और इसके बारे में ये बताऊँगी कि ये कौन सी स्किन पर ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि इसको मैंने खुद इस्तेमाल किया है 5 डेज तक, और जो मुझे रिज़ल्ट मिले हैं, जो मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ सारे ही शेयर करूंगी आज की वीडियो में, ताकि आप लोगों को इस क्रीम के बारे में सही पता चल सके कि ये कौन सी स्किन पे ज़्यादा सूट करती है। तो यहाँ पे मेरे पास ग्लो एज क्लीन की ब्यूटी क्रीम है, जो कि मार्केट में आजकल बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है, और इसकी पैकिंग भी कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी नाइट क्रीम से उनकी निस्बत इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, इसकी पैकिंग ज़्यादा खूबसूरत की गई है। और इसको जब मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, तो मुझे इस लिहाज से ये क्रीम बहुत ही बेस्ट लगी है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों पे जितनी भी नाइट क्रीम्स होती हैं, जितनी भी लोकल नाइट क्रीम्स होती हैं, वो बहुत ही कम सूट करती हैं, क्योंकि नाइट क्रीम्स में ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप जब उसको अपने फेस पर लगाते हैं, आपका फेस ज़्यादा ऑयल रिड्यूस करने लग जाता है, आपकी नोज़ एरिया पे मतलब पूरे फेस पे कहीं ना कहीं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और आप उस क्रीम को फेंक देते हैं कि ये तो हमें सूट ही नहीं कर रही। लेकिन उस हिसाब से जब मैंने इस क्रीम को अपने फेस पे लगाया है, क्योंकि मेरी स्किन पे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स का मसला हो जाता है जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ लगाऊँ, जैसे नाइट क्रीम्स वगैरह कुछ भी लगाऊँ, इस क्रीम ने जो है मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। यानी कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, एज अ वाइटनिंग काम करेगी। जब भी मैंने इसको अपने फेस पे लगाया है रात के टाइम, तो उसके बाद आपका फेस ज़रा भी चिपचिपाहट फील नहीं करेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि आपने फेस पे कोई नाइट क्रीम लगाई है। बहुत ही लाइट वेट है, और इसके बाद जो है इस क्रीम लगाने के बाद आपको बहुत ही ठंडक सी फील होगी, और साथ ही इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मुझे ये क्रीम बहुत ही बेस्ट लगी है। पर्सनली इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बाकी जितनी भी क्रीम्स हैं वो आप लोगों को शायद ही कम सूट करती होंगी, क्योंकि ऑयली स्किन वालों पे बहुत ही कम सूट करती हैं, लेकिन ये वाली आप ज़रूर ट्राई करें। ग्लो एज क्लीन ब्यूटी क्रीम एज अ वाइटनिंग क्रीम है, आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स को कम करती है, फ्रिकल्स को कम करती है, फाइन लाइन्स को कम करती है, हाइपर पिगमेंटेशन, रेडनेस, और जिनके फेस पे छाइयाँ हैं उनको भी लाइट करती है। तो ये क्रीम मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। साथ ही इसके साथ मैं सुबह को बेसन के साथ अपना फेस वॉश करती थी, जिसकी वजह से मुझे इस क्रीम के बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। ऑयली स्किन वालों को जो है बेसन इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, उसके साथ फेस वॉश अच्छा रखें, या बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब बात करते हैं कि आपने इस क्रीम को इस्तेमाल कैसे करना है। आपने रात को सोने से पहले इस क्रीम का इस्तेमाल करना है, और इसको हल्के हाथों से मसाज करना है, ताकि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। सुबह किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ चेहरे को धो लेना है, और इसी तरह 5 दिन आपने मुसलसल लगाना है। उसके बाद जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएं, फिर आप एक दिन छोड़ के फिर लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे ही आपको लगे कि आपके चेहरे को ज़रूरत है किसी भी अच्छी सी नाइट क्रीम के लिए, या आपने कहीं जाना है, या आपके चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल नज़र आ रहा है, तो आपने इस क्रीम को स्टार्ट कर देना है, स्किप करना है, फिर स्टार्ट करना है। इसी तरह आपका चेहरा जो है बिल्कुल साफ़ रहेगा, और आपका चेहरे पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, आई सर्कल्स हैं, ज़्यादातर आई सर्कल्स बहुत ही बुरे लगते हैं, और साथ ही डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनके लिए ये क्रीम मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। इसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो ये ऑयली स्किन वाले तो बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं, साथ ही नॉर्मल स्किन वाले तो वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये थे इस क्रीम का रिव्यू। इसका कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि जो मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी स्किन पे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर होता तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। बाकी इस क्रीम को आपने जिस तरह मैंने बताया वैसे लगाना है, जैसे आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे फिर आपने स्किप कर करके लगाना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।